सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, आज हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में सेविका और सहायिका का ईकेवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आप लोगों को ईकेवाईसी करना है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो 20.9 का अपडेट आया है, जिसमें कि आप लोगों को ईकेवाईसी करने के लिए बोला जा रहा है, तो सभी सेविका और सहायिका बहनें ध्यान से देखेंगी किस प्रकार से ईकेवाईसी करना है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो 20.9 अपडेट आया हुआ है, उसको आप लोग प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद यहाँ पे सेविका का जो है आप ईकेवाईसी कंप्लीट करेंगे और नीचे में आप लोग देख पाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट AWH प्रोफाइल, यानी यहाँ पे सहायिका का जो ईकेवाईसी है वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सेविका का प्रोफाइल खोल लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को पेज देखने को मिलेगा, लिखा गया है यहाँ पे ईकेवाईसी कंप्लीट। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी पहचान का एक ऑफिशियल पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल के और OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जिन सेविका और सहायिका बहनों का आधार में नंबर जुड़ा होगा, उन्हीं का यहाँ पे ईकेवाईसी कंप्लीट होगा। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप आधार सेंटर पे जाइए और अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे ईकेवाईसी कर सकते हैं। जिन सेविका और सहायिका बहनों के आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, वो आप लोग यहाँ पर आसानी से ईकेवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पे सेविका का जो आधार है वो डाल लेते हैं। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आपको जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, वो कैप्चा कोड आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है आप लोगों को यहाँ से भी पता लग जाएगा। अगर आप लोगों के आधार कार्ड में नंबर जुड़ा है या नहीं, ये भी चेक करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे आधार नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिए, उसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट का जो लास्ट नंबर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से मालूम चल जाएगा कि आपके आधार में नंबर जुड़ा है या नहीं। अगर आपके आधार में नंबर जुड़ा है तो आपके नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ फिल कर देनी है। चलिए, हमारे पास OTP आ चुका है, हम यहाँ पे OTP डाल के आपको आगे दिखाते हैं। तो मोबाइल नंबर पे OTP आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुल के आ जाएगा। चलिए हम लोग वेट करते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक और पेज खुल के आ जाएगा, बोल रहा है यहाँ पे सेट योर DigiLocker सिक्योरिटी पिन। तो आप लोगों को अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दर्ज कर लेनी है। सिक्योरिटी पिन में आप कोई भी अंक यहाँ पे डाल सकते हैं जो आप लोगों को याद रहे। ठीक है, यहाँ पे 6 अंकों का आपको सिक्योरिटी पिन बना लेनी है। चलिए हम यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या अपना ये जो डाटा है वो DigiLocker के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ईकेवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही हम अलाउ वाले पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एरर का मैसेज आ चुका है। आप लोगों को भी इस प्रकार से एरर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बोल रहा है प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस में डाल दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से ट्राई अगेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आपका जो ईकेवाईसी है वो कम्प्लीट नहीं हो पाया है। यहाँ पे हम 3 डॉट पे फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोफाइल अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी हमने डिटेल्स डाला है वो सभी चीज़ सही है, फिर भी यहाँ पे जो हमारा कि ईकेवाईसी है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसको प्रोफाइल को फिर से सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और कंप्लीट ईकेवाईसी पे क्लिक करेंगे। फिर से दोबारा आप लोगों को यहाँ पे प्रयास करना है जिससे कि आपका जो ईकेवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, फिर से अपना जो आधार संख्या है वो डाल देनी है। चलिए हम लोग डाल देते हैं।
जिनका यहाँ पे पहले से अकाउंट बना रहेगा उनका ई केवाईसी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, जिनका नहीं बना है उनमें थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिर से हम आधार नंबर कैप्चा कोड डाल के आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल लिया है। डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल लेनी है। चलिए हम फिर से वो ओटीपी डाल लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मैं आपके सामने लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से ओटीपी डाल चुके हैं। डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए अब हमारे सामने क्या लिख के आ रहा है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर, यानी कि अब हम लोग रजिस्टर हो चुके हैं डिजी लॉकर में। जैसा कि हमने आपको वहां पे पिन बनाने के लिए बताया था तो वही पिन आप लोगों को फिर से यहां पे डाल लेनी है। जो आपने पिन पहले बनाया था वही पिन आप लोगों को यहां पे डाल लेनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो पिन डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 अंकों का जो पिन बनाया था वो डाल लिए हैं। डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कि ई केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये जो प्रोसेस है आप लोगों को मैंने लाइव प्रोसेस करके दिखाया है कि किस प्रकार से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी सेविका हो या सहायिका हो वो अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर सकती हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है इस वीडियो में वो चीज़ों को फॉलो करके आप अपना ई केवाईसी पोषण ट्रैकर ऐप में आसानी से कर सकती हैं। चलिए हम यहाँ पे गो टू माय प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ई केवाईसी जो है कि यहाँ पे कंप्लीट दिखाने लगा है। आप लोगों को भी इस प्रकार से अपने पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों का ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है किस प्रकार से आपको पोषण ट्रैकर ऐप में ई केवाईसी करना है। जिन आंगनबाड़ी सेविका बहनों के आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उनका यहाँ पे ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और जिनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो अपना आधार सेंटर पर जाके मोबाइल नंबर लिंक करवा के उसके बाद आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा और ई केवाईसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।